नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल मकरोनी पास्ता, जो खाने में टेस्टी है। इसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन में, कोई गेस्ट आए तब भी झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं चटपटा सा मकरोनी पास्ता। मकरोनी पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी उबालेंगे, उसके अंदर 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे और 1/2 चम्मच हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे मकरोनी, क्योंकि पानी जो है वो उबल चुका है। 2 कप मैं मकरोनी ले रही हूँ। ये बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाती है फ्रेंड, खाने में बहुत ही टेस्टी ये पास्ता बनता है, आप ज़रूर ट्राई करें। आप अपने मनपसंद से कोई भी पास्ता ले सकते हैं। और अब हम इसे 7 से 8 मिनट तक उबलने देंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने मीडियम फ्लेम पर इसे 7 मिनट तक उबाला है। बस हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है, एकदम ओवर कुक इसे नहीं करना है। मैं आपको काट कर दिखा देती हूँ। देखिए, बस हमें इतना सा सॉफ्ट करना है। अब हम इसे एक छलनी में निकाल कर ठंडा कर लेंगे, गैस को बंद कर देंगे। अब हम एक कढ़ाई रखेंगे, गैस को मैंने ऑन कर दिया है। कढ़ाई के अंदर डाल देंगे हम ऑयल, तो मैं 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले रही हूँ। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर डाल देंगे 2 प्याज लंबा कटा हुआ और इसे हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। देखिए, प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है, इससे ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना है। 1 शिमला मिर्च लंबी कटी हुई डाल देंगे और 1 कप हम पत्ता गोभी डाल देंगे, जिसको भी मैंने लंबा लंबा काट लिया है। इसमें आप अपनी मनपसंद की सब्जियां डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये पास्ता बनकर तैयार होता है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, सब्जियां जो है हमारी सॉफ्ट हो गई हैं, इससे ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना है, इनमें थोड़ा क्रंचीपन रहना चाहिए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक हमने पहले भी डाला है, इसका ध्यान रहे। मकरोनी उबालते वक्त नमक को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे ओरिगानो 1 चम्मच, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे, पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देंगे 1 चम्मच। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ग्रीन चिली डाल देंगे 1 चम्मच, वेनेगर डाल देंगे हम 1 चम्मच, सोया सॉस डाल देंगे 1 चम्मच। और इन सभी सॉस को हम आपस में अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, सॉस आपको जितनी पसंद हो उतनी ही डालें। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 से 3 चम्मच टमाटो सॉस। मैंने 2 चम्मच डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, इसको हल्का सा तीखा देने के लिए 2 पिंच के करीब। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का घोल। मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था, जिसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल बना लिया था। इससे क्या होगा, हमारी सॉस जो है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, फिर वो हमारे पास्ता के ऊपर अच्छे से लिपट जाएगी। इसे भी हम डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 1 सेकंड तक पका लेंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा बॉईल किया हुआ पास्ता। एकदम खिला खिला बनकर तैयार होगा फ्रेंड, अगर आप इस तरह से पास्ता बनाएंगे ना, मकरोनी पास्ता हो या कोई भी पास्ता हो, किसी भी शेप का पास्ता हो, वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप कोई भी शेप का पास्ता ले सकते हैं और इस तरह से बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप सब लोग जो है उंगलियां चाटते रह जाएंगे अगर इस तरह से मकरोनी पास्ता या कोई भी पास्ता आप बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करें एक बार, तो फ्रेंड ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं ना, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएँ मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। देखिए, हमारा पास्ता तैयार हो गया है और अब हम इसे 1 सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। गैस को बंद कर देंगे।
देखिए फ्रेंड, हमारा पास्ता तैयार हो गया है खाने के लिए। सुबह के ब्रेकफास्ट हो, बच्चों का टिफिन हो, कोई गेस्ट आए हो, झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका यह टेस्टी पास्ता कैसा बना। और फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।